फाइनली दोस्तों, अगर आप हीरो की एक्सट्रीम 125R लेना चाहते हो तो आपके लिए जानना जरूरी इसकी प्राइस, इसके वेरिएंट कितने हैं। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर बात करें, इसमें आपको 3 न्यू कलर ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कलर जो है कोबाल्ट ब्लू, फायर स्टॉर्म रेड एंड स्टैलियन ब्लैक कलर देखने को आपको मिलता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको IBS वेरिएंट जो आता है 95,000 के करीब इसकी प्राइस मिलती है। जो ABS वर्जन आता है उसकी प्राइस आपको जो है 99,500 के करीब देखने को मिलती है। माइलेज आपको 66 KMPL तक का मिलेगा। कर्व वेट आपको 133 kg का मिलता है। इंजन के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, 125cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो है एयर कूल का इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर जो है 11.5 PS की मिलती है और इसका टॉर्क जो है 10.6 Nm का आपको देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो 37mm का डायफ्रंट सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको जो 7-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी रियर टायर की अगर बात करें तो 120x80 सेक्शन के टायर मिलते हैं। रियर में आपको ड्रम मिलता है एंड फ्रंट में आपको जो है डिस्क देखने को मिलता है। सेफ्टी में आपको इसमें IBS और ABS का वर्जन देखने को मिलता है। बाकी इसमें डिजिटल मीटर का कंसोल दिया हुआ है। इस बाइक के कंपटीटर जो है उसमें आपको जो TVS राइडर 125, बजाज की पल्सर NS 125 और बजाज पल्सर 125, बजाज न्यूऑन 125 और यमहा की FZS FIBS6 और बजाज की पल्सर 150 सिंगल डिस्क, बजाज पल्सर N160, TVS अपाचे RTR 160 और TVS अपाचे RTR 160 जैसे बाइक्स आने वाली हैं। तो यही थी छोटी सी अपडेट एक्सट्रीम 125R की। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी बाइक और कार की अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।